Hi, this is Anamika and welcome to Metro TV. Now time for entertainment news. की बहन ने यामी गौतम को बताया होम ब्रेकर। जब इस बारे में यामी गौतम से पूछे गए सवाल तो बड़ा खुटी यामी गौतम, क्या है पूरी खबर, हैव अ लुक। बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम रिपोर्टरों पर उस टाइम भड़क गई जब उनसे पुलकित सम्राट की पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों पर सवाल किया गया। यामी के सनम रे के को-एक्टर पुलकित की पत्नी श्वेता रोहिरा ने यामी पर उनकी शादी तोड़ने का आरोप लगाया है। श्वेता और पुलकित अपनी एक साल चली शादी के बाद 2015 में अलग हो गए थे। तभी से 32 साल के एक्टर के यामी के साथ लव रिलेशन होने की अफवाहें हैं। श्वेता सुपरस्टार सलमान खान की मुंह बोली बहन है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में श्वेता ने दावा किया था कि यामी ने उनकी शादी तोड़ी है। यामी से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ये काफी खूबसूरत इवेंट है, आपको क्यों बेकार के सवाल करने हैं। बार बार सवाल किए जाने पर 27 साल की एक्ट्रेस ने कहा, मैं यहाँ इन सवालों का जवाब देने नहीं आई हूँ, प्लीज इस इवेंट से जुड़े सवाल ही पूछे। आपको बता दें कि यहाँ यामी की फैशन शो के दौरान मीडिया से बात कर रही थी। यहाँ यामी डिजाइनर अनिता डोगरे के लिए बतौर शो स्टार रैंप पर चल रही थी। लवर बॉय बॉलीवुड में ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता, ऐसा मैं नहीं पहले कभी लवर बॉय रह चुके जिमी श्रेगल कह रहे हैं। लेकिन क्यों कह रहे हैं जिमी ऐसा, हैव अ लुक। बॉलीवुड एक्टर जिमी श्रेगल को मोहब्बतें फिल्म में रोमांटिक एक्टर के तौर पर पहचाना गया, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने अच्छे रोल्स को चुनने का फैसला किया क्योंकि उन्हें लगता है कि लवर बॉय का करियर बहुत लंबा नहीं होता है। ट्रैफिक के 45 साल के एक्टर जिमी का मानना है कि राजा अवस्थी और साहिब जैसी भूमिकाएं निभाने का फैसला कर वो फिल्म जगत में बने रह पाए। उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म माचिस से की थी। जिमी ने कहा, माचिस से एक्टिंग की शुरुआत करने के बाद लोग मुझे क्लीन शेव में पहचान नहीं पाए, लेकिन फिर मोहब्बतें आई, इससे मुझे बहुत सारा काम मिला। फिलहाल मैं ऐसा कुछ करना चाहता था कि जो मुझे अलग खड़ा करे, मैं लव बॉय की इमेज के साथ नहीं बने रह सकता था। जिमी ने कहा, हासिल, मुन्ना भाई, MBBS और साहेब बीवी और गैंगस्टर जैसी फिल्मों का सिलेक्शन करना एक अवेयर डिसीजन था, इसी वजह से मैं करीब 20 सालों तक बना रहा, वरना लवर बॉय कहीं खो जाता। उन्होंने कहा, निर्देशक दोबारा से मुझे लेते हैं क्योंकि उनमें से कई ने अपनी पहली फिल्म मेरे साथ ही की थी, हम दोस्त हैं और एक इमोशनली लगाव है, तो ये कह सकते हैं कि जिमी को बॉलीवुड में अपनी जगह बनानी आती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हेदरी जल्द ही तमिल फिल्म में नजर आएंगी। अदिति फिल्मकार से तमिल लैंग्वेज सीख रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हेदरी पहली बार तमिल भाषा की फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। इसमें उन्हें फिल्मकार मणिरत्नम का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है, वे उन्हें खुद तमिल लैंग्वेज सिखाने में मदद कर रहे हैं। फिल्म क्रू से जुड़े लोगों का कहना है कि मणि सर खुद अदिति का तमिल एक्सेंट ठीक कर रहे हैं, वे पिछले एक महीने से इसकी प्रैक्टिस कर रही हैं, साथ ही मणि सर की बताई गाइडलाइन को फॉलो कर रही हैं। इस फिल्म की शूटिंग चेन्नई में चल रही है, जिस तरह का किरदार अदिति निभा रही है उसके लिए उनका तमिल भाषी नजर आना बेहद जरूरी है। वेल, अदिति तमिल फिल्म में खुद को कितना साबित करती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अंगूरी भाभी के किरदार से अपनी दमदार पहचान बनाने वाली शिल्पा शिंदे एक बार फिर से भाभी बनकर हमारे बीच आने वाली है।
लोकप्रिय टीवी सीरियल भाभी जी घर पर है में अंगूरी भाभी का किरदार निभाकर मशहूर हुई शिल्पा शिंदे एक बार फिर भाभी जी के अवतार में वापसी करने जा रही हैं। कुछ महीने पहले शो की प्रोडक्शन टीम के साथ हुई अनबन के बाद शिल्पा ने शो बीच में ही छोड़ दिया था, लेकिन अब वो एक बार फिर स्क्रीन पर इसी अवतार में एंट्री करने जा रही हैं। जी हाँ, शो का नाम है कॉन्ट्रोवर्शियल भाभी जी। शिल्पा ने बताया कि मैं एक सिंपल महिला हूँ और जिस तरह से छोटी छोटी बातों का बतंकर बनाकर मुझे विवादित बना दिया गया, ऐसे में ये एक बेहतर ऑप्शन है कि मैं अपने विवादित होने को एंजॉय करूँ। बता दें कि ये नया शो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होगा। बॉलीवुड की सभी दमदार एक्ट्रेसेस को छोड़कर पछाड़कर सनी निकली आगे। गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाली बनी एक्ट्रेस और कौन कौन है इस लिस्ट में शामिल, बताते हैं इस रिपोर्ट से। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान और बेबी डॉल सनी लियोनी गूगल पर पिछले दशक में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले एक्टर और एक्ट्रेस बने गए हैं। गूगल की ओर से जारी 5 सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले अब भारतीय अभिनेताओं की सूची में सलमान खान के बाद शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और रजनीकांत का नाम शामिल है। सर्च किए जाने वाले अन्य शीर्ष 10 अभिनेताओं में ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, रणबीर कपूर, आमिर खान और इमरान हाशमी हैं। गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली अभिनेत्रियों में सनी लियोनी के बाद कैटरीना कैफ, करीना कपूर, काजल अग्रवाल, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, तमन्ना भाटिया, आलिया भट्ट और सोनाक्षी सिन्हा है। सबसे ज्यादा सर्च की गई फिल्मों में पीके नंबर 1 पर है। इसके बाद कहानी, बाहुबली, आशिकी 2, धूम 3, किक, बजरंगी भाईजान और हैप्पी न्यू ईयर। फिलहाल एंटरटेनमेंट खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए बी विद मेट्रो टीवी।